स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार प्रतिदिन खंड पिंजौर के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन देने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। खंड पिंजौर के रायतन क्षेत्र के गांव कजियाना में मंगलवार को कैंप लगाकर 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के करीब 475 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप में पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर राजीव भारद्वाज के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा लोगों का टीकाकरण किया गया। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि मौके पर ही ग्रामीण लोगों की रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव केदारपुर, नंदपुर, मगनीवाला, कुतुवाला, नाला जबरोट, नाला ब्लॉक, भोरिया, मल्ला गांव सहित आसपास के अन्य गांव में कैंप लगाए जा चुके हैं और 1000 से भी अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हर कैंप में ग्रामीण लोगों में वैक्सीन लगाने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है और 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि कई गांव में इंटरनेट का सिग्नल डाउन होने को लेकर उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा और पर्याप्त सिग्नल वाली उचित जगह ढूंढकर कैंप लगाए गए। गांव कजियाना में कैंप को सफल बनाने के लिए गांव जनोली पंचायत के सरपंच भारत भूषण का भी अहम योगदान रहा। वैक्सीन लग रही है, कहां पर लग रही है? आज 18-44 एज ग्रुप में विलेज कजियाना में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर गांव के लोगों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर 18 से 44 साल के सभी लोगों की वैक्सीनेशन यहाँ पर की जा रही है। और डॉक्टर साहब, ये पहले और कहाँ कहाँ लगा चुके हैं? अभी तक हम गांव केदारपुर, नंदपुर, मगनीवाला, कुतबेवाला, नाला जबरोट, नाला ब्लॉक, गांव मल्ला सभी जगह जाकर हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। लगभग 1000 से 1000 के करीब लोगों को अभी तक हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और आपको कहीं प्रॉब्लम भी आई नेट में? ऐसा प्रॉब्लम कई जगह पर हमें नेट की प्रॉब्लम आती है। नाला जब रोड में जब गए थे तो वहाँ पर नेट की काफ़ी प्रॉब्लम थी, फिर भी हमने एक एरिया में जाकर जहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी अवेलेबिलिटी थी नेट की, वहाँ पर हमने जाकर लोगों को, ग्रामीण लोगों को वैक्सीनेशन की। और जैसे कि 44 से अपने 60 को कब लगेगी? यहाँ पर 18 से 44 साल के लोगों को सबको वैक्सीनेशन की जा रही है। सबको हिदायतें दी जा रही है कि जिनको भी खांसी जुकाम बुखार हो या कोई भी मेडिकल रिलेटेड संबंधित बात हो तो वो हमसे बात करें। खांसी जुकाम बुखार वाले पेशेंट्स को अभी हम वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, जो रिकवर भी हो चुके हैं, वो भी सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा कि भाई उनको 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन होगी, उन सबको 3 महीने बाद वैक्सीनेशन के लिए बोला जा रहा है जो कोविड पॉजिटिव रिकवर हो चुके हैं। और जैसा कि सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि भाई जो लैक्टेटिंग मदर है अब उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने पूछा तो हम उन सब लैक्टेटिंग मदर्स को भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। 45 से ऊपर साल की उम्र के लोगों की फर्स्ट वैक्सीनेशन या जिनकी सेकेंड डोज 84 डेज के बाद ड्यू है, उन सबकी PHC पिंजौर के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है। तो अब अगला कब कहाँ पर होगा? अगला कैंप डेली हम एक गांव में जाकर करते हैं। वो हमारे पास जैसे भी नोटिफाई होता है ऊपर से हमें बताया जाता है, हम उसी हिसाब से गांव में जाकर लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। तो डेली एक गांव में कितनी लगती है वैक्सीन? डेली करीबन एवरेज हमारे पास 200 से 250 वैक्सीनेशन डेली एक गाँव में हो जाती है। विलेज बोरिया में शनिवार को 450 के करीब वैक्सीनेशन हुई थी। गाँव के जितने भी लोग होते हैं हम सबको ही वैक्सीनेट करते हैं। जितने भी गाँव के अंदर लोग आते हैं 18 से 44 साल की उम्र में, हम सबको वैक्सीनेट करते हैं।